तो ये डेमोक्रेसी की सबसे खूबसूरत चीज है कि जो रियल इश्यूज हैं, इमोटिव इश्यूज से इतर, उस पर वोट हो। केजे मेरे साथ हैं, केजे श्रीवास्तव, वत्सन आप जहां पर हैं, बाड़मेर, और ये किसी से छिपा नहीं कि बाड़मेर से रविंद्र सिंह भाटी के कैंडिडेचर ने इस सीट को राजस्थान की तपती हुई गर्मी में भी सबसे ज्यादा जो पारा चढ़ाया इस सीट का। और रविंद्र सिंह भाटी का सुबह में ट्वीट देख रही थी, उन्होंने शिकायत की है कि पोलिंग बूथ से लोगों को निकाला जा रहा है। ऐसी कोई शिकायत आप बाड़मेर में देख रहे हैं केजे? जी देखिए, इस तरह की शिकायत खुलकर तो सामने नहीं आ रही है, लेकिन जो प्रत्याशी है वे अलग अलग जगह घूम रहे हैं और अलग अलग जगह घूमने के दौरान उन्हें कार्यकर्ता जब इस बात को बताते हैं तो उसी आधार पर ट्वीट करते हैं। और यही कारण है कि तीन प्रत्याशी, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, बीजेपी से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी है, कांग्रेस से उमेदा राम है और निर्दलीय रविंद्र भाटी, इन दोनों को ही जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। तो इन ये तीनों ही फील्ड में अपने कार्यकर्ता जो कह रहे हैं उनकी बात मान रहे हैं। और राजस्थान में अब देखिए, मैं आपको वोटिंग बता रहा हूँ, यहाँ पर पहले तो आप वोटिंग देखिएगा, क्योंकि राजस्थान में इस वक्त बाड़मेर की यदि मैं बात करूं तो यहाँ टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस है, 41 डिग्री सेल्सियस, और जो धूप थी 12 से 3 बजे तक उसमें वोटिंग परसेंटेज भी लगभग कम हो गया था। और यहाँ एक बुजुर्ग देखिए, ये आ रहे हैं बाबूजी, आ रहे हैं और ये वोट डालने आ रहे हैं बाबूजी, इस उम्र में बाबूजी वोट डालने जा रहे हो? हम वोट डाल रहे हैं, हमारे कहीं स्लिप को नहीं। इस बार माहौल क्या, स्लिप नहीं है आपके पास? आधार कार्ड है। क्यों, आधार कार्ड है ना, तो आधार कार्ड में दे सकते हो आप वोट। माहौल क्या है? माहौल तो मर्द हाथ अंदराजी है, वो तो अंदराजी ने दिया वोट, भी दिया कांग्रेस को दे रहे हो मतलब पक्का? वो रविंद्र भाटी का क्या हुआ, वो तो 8 साल लिया रहे कने बीजन दे। अच्छा, तो ये देखिए कह रहे हैं कि 60 साल हो गए किसी को वोट दिया। माता जी वोट देने आ रही हैं आप? आपके इलाके में पानी बिजली वगैरह सब है? पानी है तो नहीं, तो ये आवे कदे 2 महीने 2 महीने। कितने दिन में आता है पानी? पानी आवे थोड़ा थोड़ा ही आवे, महीने 15 थोड़ा थोड़ा ही आता है। सड़क सड़क दो में मुश्किल। अच्छा ये बताओ, रविंद्र सिंह भाटी का नाम सुना? कौन खड़ा आपके इलाके में चुनाव में? कौन कौन खड़ा है? खड़ा मैं, चुनाव कौन लड़ रहा है इनको पता नहीं है, वोट डालना है, बड़ी बात है। ऐसा वोट डालना है और खासतौर से महिलाओं में। क्या हो गया, ये धूप है क्या? नहीं धूप नहीं, हमने किसी की पाली। चलो ये देखिए, ये धूप में ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर। मैं अगर आपसे पूछूं, मैं संक्षेप में कंक्लूडिंग रिमार्क के तौर पर अगर आपसे पूछूं कि ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है कितना दिलचस्प बाड़मेर का इस समय पर, और कैलाश चौधरी मंत्री भी हैं, 2 बार के सिटिंग एमपी भी हैं, और एक तरफ निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी। जी मैं एक बार फिर से आपकी बात करवाता हूँ इन लोगों से। भाई साहब माहौल क्या है चुनाव का, ये बता दो आप तो पहले, तो माहौल क्या है? क्या माहौल है? तो फिलहाल राजस्थान का जो टेम्परेचर है, जैसा केजे ने बताया कि 41 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर है, लेकिन लोग बाहर निकल रहे हैं। और अभी क्योंकि 4 बजे का वक्त है, अभी तक जो औसत वोटिंग टर्नआउट है, वोटर टर्नआउट है, वो लगभग 45% का है। देखना ये होगा क्योंकि 6 बजे तक वोटिंग होनी है, 6 बजे तक ये वोटर टर्नआउट कितना बढ़ता है पिछली दफा से, क्या इस बार वोटिंग परसेंटेज थोड़ा बेहतर रहता है, क्योंकि आक्रामक चुनावी प्रचार हुआ इस दूसरे फेज की वोटिंग के लिए और बात मंगलसूत्र और हिंदू मुसलमान तक चली आई। तो अगर वोटर परसेंटेज बढ़ता है, वोटर टर्नआउट बढ़ता है, तो निसंदेह फिर इमोटिव इश्यूज भी इस चुनाव में नजर आने लगेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन न्यूज 24 पर चुनावी कवरेज लगातार जारी।